स्टूडेंट्स, कार्डियोस्कुलर सिस्टम में आज हमने देखने वाले हैं पेरिकार्डाइटिस। इन दोनों फैक्टर्स देखा लास्ट क्लास में और उसके बाद एक और डिसीज देखा। ओके, आज हमने देखने वाले हैं पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? हार्ट का तीन लेयर्स होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सो पेरिकार्डाइटिस मतलब जो हार्ट का पेरिकार्डियल लेयर का इन्फ्लेमेशन होगा। ओके, पेरिकार्डियम कैसे रहता है? पेरिकार्डियम डबल है, सीरस मेम्ब्रेन रहता है, विजरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, वो दोनों का बीच में एक पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, हार्ट जब पंपिंग करता है तब फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प होता है। सो नॉर्मली ये हार्ट का जो पेरिकार्डियल स्पेस में 5 से 20 ml रहता है, 5 से 20 ml ये सीरस फ्लूइड रहता है। ओके, ये दिस इज द नॉर्मल। अगर पेरिकार्डाइटिस होने से ये फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट में पानी भर जाता है, तो पेरिकार्डियल स्पेस में पानी भर जाता है। ओके, ये कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डाइटिस का। अभी ये पेरिकार्डाइटिस आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। पेरिकार्ड मतलब पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डाइटिस मतलब इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट विच इज अ डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन विच कवर्स द हार्ट। मतलब कवर्स का, हार्ट का कवर करता है डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन, वो पेरिकार्डियम लेयर है। वो पेरिकार्डियम लेयर को, पेरिकार्डियम लेयर को अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो हमको, हमने पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके अभी नेक्स्ट, पेरिकार्डाइटिस का क्यों हो सकता है, क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होगा, किस चीज़ से हो सकता है। ओके, पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन और पेरिकार्डियल इन्फेक्शन किस चीज़ के लिए होता है? मोस्ट कॉमन पेरिकार्डाइटिस होता है वायरल इन्फेक्शन से होता है। ओके, मोस्ट वायरल इन्फेक्शन लाइक कॉक्सकी ए, कॉक्सकी बी वायरसेस, दिस आर द नेम ऑफ द वायरसेस, कॉक्सकी ए, कॉक्सकी बी वायरसेस। ये वायरसेस से पेरिकार्डाइटिस हो सकते हैं। ओके, ये वायरसेस हैज ए हाईएस्ट वायरुलेंस फैक्टर, मतलब इससे ज़्यादा वायरुलेंस फैक्टर होता है। ये ब्लड में मिक्स होता है, वही ब्लड हार्ट में जाने से हार्ट का लेयर्स भी इंप्लांट होता है। ओके, नेक्स्ट, बैक्टीरियल से भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया हो, स्ट्रेप्टोकोका बैक्टीरिया हो, ये बैक्टीरिया से भी, दीज आर ऑल्सो हैविंग द वायरुलेंस फैक्टर्स, ये बैक्टीरिया से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकते हैं। ओके, माइकोटिक्स, दीज आर ऑल्सो क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासेस है। माइकोटिक्स मतलब एक्टिनोमायोसिस, माइकोटिक्स से भी पेरिकार्डाइटिस होने का चांसेस होता है। ओके, इतना भी नहीं है, और वैस्कुलर डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टमिक लुपस एरिथ्रोमाइटिस, ओके, दिस इज वन ऑफ द सीवियर सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। हमारा बॉडी का अंदर सीवियर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है सिस्टमेटिक, ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमाइटिस, हमारा बॉडी का अंदर वो इन्फ्लेमेशन लग गया तो, ये इन्फेक्शन लग गया तो हमारे बॉडी में हार्ट का लेयर भी इन्फेक्शन लग सकते हैं इससे। रूमेटिक अर्थराइटिस हमने देखा लास्ट क्लास में, रूमेटिक हार्ट डिसीज, रूमेटिक अर्थराइटिस। ओके, रूमेटिक अर्थराइटिस से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकते हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस में मतलब कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट आर इन्फ्लेम्ड, ओके, इससे पेरिकार्डाइटिस हो सकते हैं। ओके, और मेटाबॉलिक चेंजेस, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस लाइक, मेटाबॉलिक चेंजेस सबसे ज्यादा कब होता है? रिनल फेलियर में। ओके, रिनल फेलियर इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग पेरिकार्डाइटिस। ओके, रिनल फेलियर में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस दैट कॉजेस द इंपेयरमेंट ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस। ओके, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में इफेक्ट करता है, वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में इफेक्ट करने से वो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन से पेरिकार्डाइटिस भी हो सकते हैं। ओके, सर्टन इंजुरी लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई में मायोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट इज स्कैर्ड और नेक्रोज्ड। ओके, नेक्रोस होता है मायोकार्डियम लेयर नेक्रोस हो गया तो हार्ट का फंक्शन अल्टरेशन होता है, इससे भी पेरिकार्डाइटिस हो सकते हैं। ट्रूमा, कोई भी ट्रूमा सडनली कुछ लग गया, ओके, इंजरी हो गया तो भी हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी, ओके, हार्ट में रेडिएशन थेरेपी जाने से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकते हैं। ओके, सडन न्यूओप्लाज्म कैंसर्स, ओके, कैंसर्स ऑफ बोन, कैंसर्स ऑफ लंग्स, वो इससे भी हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। ओके, ये पेरिकार्डाइटिस का एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। ओके, ये क्या होता है? ये अक्यूट पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डाइटिस स्टार्ट होने के बाद, अक्यूट पेरिकार्डाइटिस हैज इनफिल्ट्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ओके, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मतलब पेरिकार्डाइटिस होने से ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर
ल्यूकोसाइट्स का संख्या बढ़ जाता है, मतलब इनफिल्ट्रेशन होता है। अभी पेरिकार्डियल लेयर इन्फेक्शन हो गया, ओके, उधर ल्यूकोसाइट्स और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स वो पेरिकार्डियल लेयर पे पहुंचते हैं, मतलब इनफिल्ट्रेशन होता है, ओके। वही अगर द लॉन्ग द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड अफेक्टिंग ऑफ दी पेरिकार्डाइटिस इन दी बॉडी, हमारा बॉडी के अंदर पेरिकार्डाइटिस वेरी लॉन्ग टाइम पर चल गए तो इससे क्या होता है, ओके, इससे पेरिकार्डियल लेयर बिकम्स फाइब्रोटिक होता है, स्कैर्ड होता है, स्कैर्ड एंड फाइब्रोटिक होता है, मतलब हार्ड होता है, स्कैर्ड एंड फाइब्रोटिक होता है, ओके। दिस स्कैर्ड एंड फाइब्रोटिक हार्ट मसल्स दैट काजेस दी हार्ट द वेंट्रिकल्स आर द हार्ट वेंट्रिकल्स आर इनएबिलिटी टू फिल अप द ब्लड प्रॉपरली, ओके। हार्ट का वेंट्रिकल्स में ब्लड अच्छे तरह से फिल नहीं हो सकते, ओके, दैट मील लीड टू दी कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, उसके उसको हमने बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में थोड़ा फर्क है, पेरिकार्डाइटिस मतलब नॉर्मल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है, अगर वही इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग टाइम तक वही पेरिकार्डाइटिस होने से क्या होता है, कैल्शियम डिपोजिशन होता है, क्योंकि स्कैर्ड होता है, फाइब्रोटिक होता है, पेरिकार्डियल लेयर फाइब्रस होता है, हार्ड होता है, स्कैर्ड होता है, कैल्शियम डिपोजिशन होता है, तो कैल्शियम डिपोजिशन फाइब्रोटिक स्कैर्ड होने से, ओके, हार्ट का वेंट्रिकल्स अप्रोप्रिएटली ब्लड फिलअप करने में इनएबिलिटी होता है, अप्रोप्रिएट ब्लड फिलअप करने में इनएबिलिटी होगा तो उसको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, दिस इज द पेरिकार्डाइटिस, द कॉम्प्लिकेशन इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ओके। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होगा, ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर ये बैक्टीरिया है, वायरस से, माइकोटिक को, ट्रोमा हो, जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर से इंफ्लेमेशन स्टार्ट होता है पेरिकार्डियल लेयर में, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो गए तो इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड अदर केमिकल्स, ओके, जहाँ इंफ्लेमेशन है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स पहुँचते हैं और अदर बॉडी का जो केमिकल्स पहुँचते पेरिकार्डियस में पहुँचते, ओके। सो चेंजेस दी परमिएबिलिटी ऑफ दी पेरिकार्डियल वास्कुलरिटी, ओके, वो न्यूट्रोफिल्स अदर केमिकल्स पेरिकार्डियल लेयर तक पहुँच गए तो उसका जो पेरिकार्डियल लेयर में वेसल्स है उसको परमिएबिलिटी चेंज होने चालू होता है, ओके, चेंजेस दी परमिएबिलिटी ऑफ पेरिकार्डियल वास्कुलरिटी, ओके। दिस मे लीड टू दी पेरिकार्डियल लेयर वास्कुलरिटी चेंजेस होने से पेरिकार्डियल एडिमा होता है, ओके, पेरिकार्डियम लेयर में एडिमा चालू होता है, पेरिकार्डियम लेयर में वो एडिमा बढ़ने चालू होता है, ओके। पेरिकार्डियल एडिमा बढ़ने से क्या होता है, ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट मोशन, पेरिकार्डियल एडिमा हो गया मतलब स्वेलिंग हो गया पेरिकार्डियल लेयर, ओके, हार्ट मोशन में मतलब फ्रिक्शन प्रिवेंट करते रहते हैं ना, वो मोशन में रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब हार्ट ज़्यादा मोशन नहीं कर पाए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट मोशन एंड पेन विथ ब्रीदिंग, ओके, हार्ट मोशन करने में रेस्ट्रिक्ट होता है, श्वास लेने के टाइम पेन होने चालू होता है, ओके। इससे क्या होता है वीक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी वीक होता है तो हार्ट का कार्डियक वॉल्यूम कम होता है, हार्ट का कार्डियक वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया तो, ओके, सो बाद में हार्ट में एक साउंड सुनने होता है, साउंड सुनने के लिए मिलता है, मफल्ड हार्ट साउंड बोलते हैं उसको, मफल्ड हार्ट साउंड, ओके, ये कैसे सुनते हैं मैं बाद में बता देता हूँ। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, पैथोफिजियोलॉजी देख लीजिए, पेरिकार्डाइटिस में इंफ्लेमेटरी एटियोलॉजिकल फैक्टर से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होने से क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जाता है एंड अदर केमिकल्स भी पेरिकार्डियस लेयर तक जाता है, ओके, पेरिकार्डियल लेयर में पहुंचने के बाद वेस्कुलरिटी परमिएबिलिटी चेंज होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी चेंज होने से, ओके, पेरिकार्डियल एडिमा होता है, पेरिकार्डियल एडिमा हो गया तो रेस्ट्रिक्शन आपके हार्ट मोशन होता है, हार्ट मोशन रेस्ट्रिक्ट होता है, हार्ट मोशन रेस्ट्रिक्ट होने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कम होता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कम होने से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, कार्डियक कठोर कम होता है, मफल्ड हार्ट साउंड सुनने चालू होता है, मतलब हार्ट में एक तीसरा हार्ट साउंड सुनने चालू होता है, दिस इज व्हाट द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, ओके। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, ये साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मतलब उधर पेरिकार्डाइटिस लेयर इंफ्लेमेशन है इसलिए फ्रिक्शन होने चालू होता है, पेरिकार्डियम लेयर में विजरल पेरिकार्डियम पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में फ्रिक्शन जैसा रबिंग स्टार्ट होता है, वो कैसे होता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब लाइक स्क्रैचिंग,
हम स्क्रैच करते हैं ना ऐसा पकड़ के कुछ स्क्रैच करने के टाइम स्क्रैचिंग जैसा फील होता है हार्ट में, स्क्रैचिंग हाई ओके हाई पिच्ड साउंड स्क्रैच होता है, हाई पिच्ड साउंड सुनने मिलता है ओके okay? ये कैसा फील होता है, लेदर रबिंग अगेंस्ट द लेदर, एक लेदर को हमने एक रबर को दूसरा रबर के ऐसा जैसा हमने फोर्स करके रब करते हैं ना वैसा हार्ट का लेयर में बीच में फ्रिक्शन रब चालू होता है ओके दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन रब ओके पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मतलब दिस इज द स्क्रैचिंग हाई पिच्ड साउंड लेदर रबिंग अगेंस्ट द लेदर ओके दिस इज द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब बोलते हैं ओके नेक्स्ट होता है पेन होता है उसमें बहुत सीवियर एंड प्रोग्रेसिव पेन होता है कंटिन्यूस पेन होता है बहुत सीवियर पेन होता है ओके प्लूरेटिक पेन होता है मतलब पेरिकार्डियल पेन होता है दिस इज अ नॉन कार्डियक पेन भी बोलते हैं कार्डियक मतलब मायोकार्डियल लेयर से हार्ट का पेन नहीं है पर पेरिकार्डियल लेयर का पेन है नॉन कार्डियक वर्से विद इंस्पायरेशन जैसे हमने श्वास अंदर लेने चालू करते हैं ज़्यादा पेन होने चालू होते हैं जैसे हमने स्वालोइंग करते हैं ज़्यादा होता है ओके जैसे हमने इंस्पायरेशन कफिंग करने के टाइम स्नीजिंग करने के टाइम श्वास लेने के टाइम पेन ज़्यादा प्लूराटिक पेन ज़्यादा होता है दैट इज अ पेन प्रोग्रेसिव पेन प्लूराटिक नॉन कार्डिया चेस्ट पेन दैट इज लाइक वर्स विद द इंस्पायरेशन कफिंग स्नीजिंग ओके नेक्स्ट ओके वो पेन रेडिएट टू दी जॉ पे भी रेडिएट हो सकता है बैक पे भी हो सकता है शोल्डर पे भी हो सकता है ओके पेन इज रेडिएट टू द जॉ बैक ओके अपर एक्सट्रीमिटीज डिस्निया भी होता है श्वास का दिक्कत होता है ओके रैपिड शालो रेस्पिरेशन होता है ओके पेशेंट शालो रेस्पिरेशन लेने चालू करते हैं रैपिड रेस्पिरेशन लेने चालू करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के साथ साथ में पेन रहते हैं इसलिए रेस्पिरेशन पैटर्न भी अल्टर होने चालू होता है ओके सो इन्फेक्शन है इधर इन्फेक्शन की वजह से ले फीवर भी होता है नोजिया भी होता है मलेज भी होता है ये इन्फेक्शन का साइन एंड सिम्टम्स फीवर चिल्स फटीग ओके ये सब देखने मिलता है ओके नेक्स्ट पेरिकार्डियल एफ्यूजन होता है यही पेरिकार्डाइटिस प्रोलॉन्ग टाइम होने से पेरिकार्डियल एफ्यूजन मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट नॉर्मली 5 to 20 ml होता है अगर ज़्यादा एडमा होता है एडमा होने से वो विसरल लेयर पेरिकार्डियल लेयर के बीच में जो विसरल लेयर रहता है विसरल लेयर से फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है इसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं एफ्यूजन मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट ओके एक्सेसिव फ्लूइड ओके दिस इज पेरिकार्डियल एफ्यूजन वही पेरिकार्डियल एफ्यूजन से कॉम्प्लिकेशन होने चालू हो गया दैट इज अ कार्डियक कंपोनेंट होता है आगे पेरिकार्डियल एफ्यूजन के बाद कार्डियक कंपोनेंट इज आल्सो वन ऑफ द पेरिकार्डियल एफ्यूजन व्हिच दैट कॉजेस द पेरिकार्डियल एफ्यूजन के बाद कार्डियक कंपोनेंट क्या होता है दैट इंक्रीजेस द इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर इंट्रा पेरिकार्डियल में प्रेशर बढ़ाते हैं ओके दैट कंप्रेसेस द हार्ट ओके हार्ट को कंप्रेस करने से मतलब फ्लूइड लेवल ज्यादा बढ़ गया हार्ट को कंप्रेस करते दैट कॉजेस टेकीकार्डिया होता है ओके मफल्ड हार्ट साउंड सुनने चालू होता है वो कंडीशन को हमने कार्डियक कंपोनेंट बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन कार्डियक कंपोनेंट दोनों एक जैसे है पेरिकार्डियल एफ्यूजन में सिर्फ फ्लूइड भरता है कार्डियक कंपोनेंट से कॉम्प्लिकेशन मतलब इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ता है टेकीकार्डिया हो सकते हैं हार्ट कंप्रेशन होने चालू होता है उसको कार्डियक कंपोनेंट बोलते हैं ओके नेक्स्ट फ्रिक्शन रब और मफल्ड हार्ट साउंड सुनने चालू होता है मफल्ड हार्ट साउंड कब सुनने चालू होता है ओके The diaphragm of the stethoscope is placed on the sternal edge. Okay, नीचे the sternal edge पे end पे नीचे stethoscope का diaphragm रखना है. Okay, at the end of the expiration end में okay expiration end में मतलब सांस लेके छोड़ने के बाद end में okay एक sound सुनने लगता है. दैट इज कॉल्ड मफल्ड साउंड बोलते हैं उसको हमने मफल्ड साउंड बोलते हैं वो कैसे सुनना है पेशेंट को सिटिंग पोजिशन में सुलाना है आप थोड़ा आगे बैठाना है ओके पेशेंट इज इन दी सिटिंग पोजिशन विथ लीन फॉरवर्ड बोलते हैं पेशेंट को सिटिंग पोजिशन में थोड़ा लीन फॉरवर्ड पोजिशन में हमने स्टेथोस्कोप को ओके वो स्टर्नम का नीचे एज में रख के हार्ट साउंड सुना है तो मफल्ड हार्ट साउंड सुनने चालू होता है ओके बस क्या करना पड़ेगा डायफ्राम को एज पे रखना है स्टर्नम का नीचे और पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लीन फॉरवर्ड करना है फिर बाद में साउंड सुनना है सुनने के बाद मफल्ड हार्ट साउंड सुनते हैं दिस इज रिगार्डिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ओके एंड और भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ थैंक यू वेरी मच